कक्षा 10 एक्सरसाइज 5.3 का चौथा प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है 636 योग प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न में एक एपी के पदों का जो योग है वो हमें दिया गया है 636। हमें एपी भी दी हुई है 9, 17, 25 इस प्रकार के कितने पद लेने चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि इस एपी में कितने पद लेने चाहिए ताकि उन पदों का जो योग है वो 636 हो। तो आइए देखते हैं। यहां से हमें दे दिया गया है ए, जो कि है इस एपी का पहला पद यानी कि 9। उसके बाद बी, जो कि हमें निकल जाएगा दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके यानी कि 17 - 9 और ये हो जाएगा 8। तो अब आप देखिए हमें ए दिया गया है, डी दिया गया है, एस एन दिया गया है, हमें सिर्फ एन निकालना है। एस एन का फार्मूला होता है, एस एन हमें दिया गया है 636। एस एन का फार्मूला है एन बटा 2 × 2a + (n-1) × d, और यह बराबर है 636। तो एन कितना है हमें नहीं पता, तो ये एन ही रहेगा, एन बटा 2 × 2a 2 × a, a कितना है 9 प्लस n माइनस n हमें नहीं पता d कितना है 8 बराबर 636। अब आप देखेंगे इस सारी ब्रैकेट के बाहर है n बटा 2 इस n के साथ भाग हो रहा है, जब यह उधर जाएगा तो इस 636 के साथ गुना हो जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं। 636 को जब हम 2 इधर गुना हो गया, बाकी वहां पर बच गया n into ये है 2 × 9 = 18 प्लस n माइनस 1 को 8 से गुना करना है, तो 8 को n से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 8n माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 8। अब इस n को हमें इन तीनों से गुना करना है, n को 18 से गुना करेंगे तो यह आएगा 18n प्लस n को 8n से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 8n² n को 8 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा -8n और यहां यह हो गया 636 को, इसको ऐसे ही रहने दो 636 गुना। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये है 8n², ये है 18n और ये है -8n। 18n में से 8n निकाल दिए 10n। 636 को यदि हम 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 6 × 12, आंसर आया 1, 3 × 6 = 7 और 6 × 12 ये है 1272 के बराबर। अगले स्टेप पे ये है 8n², ये है +10n, 1272 इधर प्लस का है इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये बराबर हो गया 0। यदि हम इसको ध्यान से देखें यह भी 2 के बारे में आता है, यह भी 2 के बारे में आता है, यह भी 2 के बारे में आता है, तो इन तीनों में से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच गया 4n² + 5n माइनस, इसको 2 से भाग करके फिर 636 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 इस ब्रैकेट के साथ गुना हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, 0 से 2 को भाग किया हमारे पास बच गया 0। उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन बच गई 4n² + 5n - 600। ठीक है, तो बच्चों इसके आगे हम इसे द्विघात सूत्र के द्वारा हल करके n की वैल्यू पता करेंगे और वो जो n की वैल्यू होगी वही होगी हमारी पदों की संख्या। तो अब ये काम मैं आपको छोड़ता हूँ, पिछले चैप्टर्स में आप द्विघात सूत्र पढ़ चुके हैं, तो द्विघात सूत्र के हिसाब से या गुणनखंडन विधि के हिसाब से आप इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, वो जो n की वैल्यू होगी वही इस एपी के पदों की संख्या होगी।